तरीका से मुंह फाड़ रहा है अपना, और काफी बिग साइज का है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, देखिएगा ये अपने आप को छुपा। ये देखना ये चारों सांप थे इसके अंदर, कोई बात ना अभी हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, और मैं शमशाती अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं आप लोग फिट होंगे और आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं भी अभी सही सलामत हूं दोस्तों। तो आज मैं जिस कार्य के लिए जाना जाता हूं उसी कार्य को अंजाम देते हुए आज जेवर से जाने की थोड़ी सी पास में ही एक गाँव है, कौन सा गाँव है ये भाई साहब? साहब नगर। तो दोस्तों साहब नगर गाँव में आए हैं, यहाँ पे एक जो हमारे यहाँ पे जो कंडे बोलते हैं जिनसे जो खाना बनता है स्वादिष्ट लजीज जो खाना बनता है उसी उन्हीं के अंदर वो बेजुबान बैठा है, और दोस्तों उनसे बात करवाते हैं जिन्होंने हमको कॉल करके याद किया और फेस टू फेस बात करवाते हैं। तो भैया जी कहाँ से कैसे कैसे नंबर लिया था आपने बताने कर पा प्लीज़? भैया जी हम कल परसों यहाँ रामपुर में देख रहे थे आप सांप पकड़ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे हमने अब हमारी माता जी हमसे कह रही थी भैया इसमें सांप ले जाएगा इसको मारो तुम। हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ माता जी चिंता मत करो, मैं भी उसको मन से लड़का भाई ने वो सांप पकड़ते हैं, मैं तो फोन लाता हूँ अभी। मैं सोचा आपकी वीडियो देखी सी यूट्यूब पे। हाँ हाँ। तो आपका उसमें नंबर था, उससे से नंबर लेके कॉल की थी। तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करिए जाते कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए किया करो कि जैसे ये जो हमारे जो बेजुबान मारे जा रहे हैं दिन पे दिन इनकी प्रजाति कम होती जा रही है, तो इनको बचाने में हमारी सहायता कीजिए, और देखते हैं वो किस तरीके किस जगह पर बैठा है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और लेते हैं 2-4-10-5 मिनट का टाइम। आइए सर दोस्तों इसके अंदर चल के देखते हैं कौन सा स्नेक है और किस पोजीशन में बैठा है। तो दोस्तों बने रही वीडियो के साथ, तो चलते हैं इसके अंदर। आ जाइए थोड़ी टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल टॉर्च मैं बैटरी ले अंदर चलो तो कह रहे हैं एक जन भीतर बोला, एक जन अंदर आ जाए, एक जन अंदर आओ जो ढींगरा सा बालक हो जो। आइए भैया एक जन से चलिए पहले इसको पैक करते हैं बाहर, और जब दूसरे सांप को देखते हैं। चल ओ भैया अम्मा शांत थोड़ा सा लंबाई 5 से 6 फुट के बीच होगी, और इसको पैक करते हैं अभी, तो और भी उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और उसको भी निकाल के दिखाते हैं आप लोगों। डिब्बा कहाँ पर है? काफी मेहनत के बाद इसको निकाला है, और भी यहाँ पे और उसको भी देखते हैं, क्योंकि काफी मेहनत करनी पड़ती है इन बेजुबानों को बचाने के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए इसको पैक करते हैं और भी देखते हैं। लाइए ढक्कन दे दो आप, हम इसीलिए अपना दोस्तों इसको पैक कर दिया, और देखते हैं दूसरा सांप कौन सी पोजीशन में बैठा है और किस तरीके से बैठा है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, क्योंकि वो कहीं अंदर भी जा सकता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और देखना ये इनकी कांचली होती है जो ये अपने त्वचा के ऊपर से ये उसको निकाल देते हैं, क्योंकि जब दिनारी कांचली हो जाती है तो ये उसको निकाल देते हैं, और अपने आप को एक बड़ा स्वच्छ महसूस करते हैं ये इसको उतार करके। तो चल के देखते हैं वो किस तरीके से बैठा है, कौन सी पोजीशन में।
तो दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा काफी बिग साइज का है दोस्तों, और यहाँ पे और भी सांप हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे एक खजाना लग रहा है, जैसे सांपों का ये खजाना हो यहाँ पे। दोस्तों देखना इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ये अपना आशियाना बनाए इसमें बैठा है, और अभी एक रेड स्नेक और दिखाई पड़ा था, तो दोस्तों उसको भी देखते हैं। देखना ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है कि जो बहुत भयंकर मौत देता है एक इंसान के लिए। तो चलिए इसको भी बाहर लेके चलते हैं और इसको भी पैक करते हैं। तो आइए फिर और देखते हैं यहाँ पे, हम बाहर चल रहा है। इसका मुंह तोड़ो यार, निकलने बनने में बड़े अच्छे। तो दोस्तों देखना इसका जो ये हुड फैलाता है काफी शानदार लगता है ये जब चलता है, और जब ये खड़ा हो जाता है तो अच्छे अच्छे का पसीने को बंद कर देता है, ये पसीना बुला देता है अच्छे अच्छे इंसान को। देखना ये किस तरीके से, ज्यादा तो बिग साइज का नहीं है, यानी कि 2.5 से 3 फुट का है, ये 2.5 फुट का। और देखना ये ठंड के कारण काफी शांत होते हैं। और एक डिब्बा मंगा दीजिए, क्योंकि हम एक ही डिब्बा लेके आए थे। इसका मुंह चौड़ा कर दो, लेकिन बनने में परेशानी होती है। तो डिब्बा काफी देरी में आएगा दोस्तों, तो जब तक इसको ही इस डिब्बे में पैक करते हैं और दूसरे रेस्क्यू के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों इसको पैक कर लिया है और चल के दूसरे रेस्क्यू के लिए चलते हैं। आइए इससे अलग रहना थोड़ा। लोग बागन ने सपेरे जो लोग होते हैं फिल्मी दुनिया ने, और सपेरे लोगों ने इनसे इनकी पूंछ में जो पूंछ में भी कांटा बताते हैं लोग बाग, कहते हैं कि इनकी पूंछों पूंछ के अंदर कांटा होता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये देखना क्योंकि पूंछ ये कहीं पे मार दे और गलन पड़ जाता है या वो हो जाता है, तो हम कहीं पे मार सकते हैं इसको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अंधविश्वास है कि जो लोग बागों ने फैला रखा है, और यही हमारा एक कार्य है कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए और इन बेजवानों की रक्षा करने के लिए। भैया इनको क्या करेंगे? इनको जंगल में रिलीज कर देंगे, ताकि ये अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके, और यहाँ पे लोग बाग इनको मार ही देते। आप क्या करते हैं इनका? एक मार दिए। कब मारा था आपने? हमने मारा। और अच्छा, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, हम इनको आएंगे और रेस्क्यू करेंगे और जंगल में रिलीज कर देंगे। तो आगे के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मारोगे तो नहीं, यही होना चाहिए, क्योंकि इन जैसा इंसान में जीव होता है ऐसा ही इनके अंदर जीव होता है, और इनकी काफी क्रिया होती है हमारे वातावरण में, क्योंकि ये किसान मित्र होते हैं। ये कम से कम 20% किसान की फसल को बचाता है। ये एक दिन में 8 से 10 चूहे खा करके ये, और अगर जो ये चूहे नहीं खाए, ये ज्यादातर किसान मित्र नाम कहते हैं इसको, ये ज्यादातर खेतों में ही पाया जाता है, और ये ठंड के कारण ही इसके अंदर आ गया है। उन्हें इसका कोई मतलब नहीं कि जो इसके अंदर रहेगा, ये बहुत तेजी से दौड़ने वाला सांप होता है, और ये चूहे को ही खाना पसंद करता है। इसका जो मेन भोजन होता है वो चूहा ही होता है। जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों तीसरे रेस्क्यू के लिए तैयार होते हैं और देखते हैं, और थोड़ा सा वो ले जाइए भाला, जो इससे हम तोड़ सकें इसको। निकलने बनने के लिए जगह नहीं है ना इसमें, क्योंकि खतरनाक सांप है, उनको हम लेके कैसे निकल रहे हैं। आइए तो चलते आओ, थोड़ा सा लेडीज आ जाओ, कुछ इन कंडन को बाहर फेंकते रहो, हम दे रहे हैं आपको। लेडीज
तो दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफी बिग साइज का है, और देखना वो तो बच्चा ही था, परंतु ये इसकी जो फुंकार थी वो काफी भयानक थी कि जिसको हमको भी इसने दहला दिया एक बार। तो बीच में पलटो, कोई बात ना अभी। या खेच लो, तो दोस्तों दूसरा इंडियन रेड स्नेक ये देखिए ना, ये भी कम से कम 4-5 फुट का है। तो दोस्तों इसको पैक करते हैं और देखते हैं कितने सांप मिलते हैं। तो दोस्तों ये इस समय 3 सांप हो चुके हैं, और देखते हैं अभी तो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भी नजर पड़ रहा है इसके अंदर। तो चलिए बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, आइएगा प्लीज कम। चलो चलिएगा दोस्तों, तो देखते हैं दूसरा और किसका ही था। आइए 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 तो दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफी बिग साइज का है, और देखना ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, किस तरीका से मुंह फाड़ रहा है अपना, और काफी बिग साइज का है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। देखिएगा ये अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। और भी हो सकते हैं यहाँ पे, अभी तो हमारी कोशिश जारी है जाने की। तो चलिएगा इसको पैक कैच करते हैं हम। ये देखो दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा काफी बिग साइज का, अगर जो ये किसी रास्ता में खड़ा हो जाए तो हाथी को भी दहशत दसा सकता है ये हाथी के भी अंदर। तो चलिए इसको भी लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया चौथा सांप, देखना ये देखो क्या इसका जंडेली रूप है ये। और ये ठंड के कारण अभी काफी शांत है, क्योंकि ये नरम यानी ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं ये, और ये ठंड में ये देखना अभी ये देख ये देखिए ये देखिएगा ये देखिएगा ये देखिए ये देखिएगा किस तरीका से ये अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। तो दोस्तों इसको पैक करते हैं और देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों ये चौथा स्नेक हो गया, और देखते हैं कौन पर मिलता है कौन सा। आइए फसे फसे जा रहा हूँ।
ये देखना, ये चारों सांप थे इसके अंदर। और ये अगर जो ऐसे ही किसी घर के अंदर आ गए तो किसकी किसकी मजाल की जो इनसे घबराए नहीं। देखना ये, अरे चुप रहो ने, चुप तो देखना दोस्तों। तो चलिए इनको पैक करते हैं बिना समय गुजारे हुए। एक तो काफी एक्टिव हो रहा है, और ये देखिए चलिएगा इनको पैक करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास दो रेड स्नेक और दो कोबरा हैं जो हमने साहबनगर से रेस्क्यू किए थे, तो इनको जंगल में रिलीज करते हैं ताकि ये अपना आशियाना यहाँ पे ढूंढ सकें। और काफ़ी अभी यहाँ पे देखना काफ़ी सारा जंगल है, और यहाँ पे अपने वातावरण में चले जाएंगे ये और आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों पहले तो हम रेड स्नेक को ही रेस्क्यू करते हैं, रिलीज करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसमें है दो रेड स्नेक। जाते हुए की वीडियो ले ले आप, एक इधर चला गया परंतु दोनों ही इधर जाए तो अच्छा होगा क्योंकि ये सही है। अरे जाए चले जाएंगे ये दोनों। और देखना ये अब इस समय काटने के पूरे फ्राग में है। तो दोस्तों ये तो जा चुके दोनों। तो दोस्तों अब हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो जिसे हम नाग कहते हैं, और इसी को गहुअन, पेटार, पलटू और इसी को नाग कहते हैं, और इसे साइंस नाम है इसका नाजा, नाजा के नाम से भी जाना जाता है ये दोस्तों। तो जाने की बहुत काफ़ी ख़तरनाक है ये। चलिए इसको रिलीज करते हैं इसकी ही बात हो रहा है। दूर रहना भाई, ये देखना ये किस तरीका से अपना पन फैलाए बैठा हुआ है, और ये काफ़ी एक्टिव है। थोड़ा सा हट जाइए, हट जाइए, देखना ये, देखना ये, देखना किस तरीके का ये, कितना प्यारा इसने फटता है जब ये अपने हुड को फैलाता है दोस्तों। देखना ये इस तरीका, इस समय पूरा फोकस बनाए हुए है कैमरा पे। तो दोस्तों ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इन सांपों को हैंडल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनसे ये काम एक एक्सपर्ट के लिए अगर जो आप करोगे तो खतरा हो भी सकता है। तो दोस्तों दीजिए देखिएगा, तो दोस्तों ये देखिएगा ये अपने वातावरण में जा चुका है, और काफी बिग साइज का था। तो ये देखना ये भी काफी एक्टिव है, ये देखना ये भी अपने वातावरण में चला जाएगा दोस्तों। ये देखना काफी एक्टिव सांप है, और ये चला गया अपने वातावरण में। देखना ये किस तरीका से वहां पे किस तरीका से बैठा हुआ है ये देखना। अगर जो ऐसा किसी को दिखाई पड़ जाए तो जाने की आदमी को पसीना बुला सकता है। ये इस तरीके का हुड बनाए बैठा है ये देखना, एक झुंड के अंदर। ये देखिएगा, तो दोस्तों इनको जंगल में कर दिया है रिलीज। और जाने की चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर लो और शेयर भी कर दो, जिससे कि ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है काफ़ी थोड़ा बहुत दूर हो सके। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आगे तक क्या कर सकते हैं। तो आप शेयर कर दीजिए, जाने की इसको फैला दीजिए, और अगर जो आपको कहीं पर कोई भी बेजुबान दिखाई पड़ता है या किसी को खतरा नज़र आता है तो दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, और आपको वहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप हमसे। तो चलिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत, और फिर मिलते हैं कभी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।